अस्सलाम वालेकुम, हमना विद इंग्लिश 201। कैसे हैं आप लोग? आपकी असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन आइडिया मैंने दिया है आपको इस वीडियो में। ओपन हुई थी आपकी असाइनमेंट 26 जुलाई को और लास्ट डेट है 2 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोगों को उन्होंने कुछ जो है डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं जिसको आपने मेंशन करते हुए या उसको नज़र में रखते हुए आपने टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बतानी है कि वो कौन सी रिपोर्ट है। याद है आप लोगों को, आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, तीन चार रिपोर्ट्स जो थी, जनरल रिपोर्ट है, एनालिटिकल रिपोर्ट है। तो उनके ही आपने इनमें नाम बताना है कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है या जो डिफाइंड दी हुई है उसका नाम आगे आपने रिपोर्ट का मेंशन करना है। पहले देख लें आप लोगों की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट थी जो आपको स्टेट करती है प्रोग्रेस, जो आपका गोल है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में आती है। तो आपकी जो फर्स्ट वाली है, दिस रिपोर्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, आपको इन्फॉर्मेशन देती है अपडेट। जितना जितना आपने उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं उतनी उतनी आपको इन्फॉर्मेशन देती जाएंगे। तो जो फर्स्ट वाली आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की है। नेक्स्ट है, दिस रिपोर्ट असेस पोटेंशियल सोल्यूशन टू बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। इसका आंसर जो है मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखा है, ये देख लें आप लोगों का जो हैंड आउट्स हैं उनमें वो कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो शेयर करती है एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स, जिसका मतलब क्या है, दे आर रिटन टू हेल्प डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती है कि वो अपना जो डिसीजन है वो किस सेंस में लें या कौन सी बात पर काम करें और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आप लोगों की ये वाली जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जिसमें पोटेंशियल सॉल्यूशन दिया जाता है डिसीजन मेकर्स को या बिजनेस प्रॉब्लम्स में कि वो क्या डिसीजन लें या क्या कौन सी अपॉर्चुनिटी को गेन करें। नेक्स्ट है, रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी एंड यूजेस डेटा डिराइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका आंसर रिसर्च रिपोर्ट मैंने लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। ये लें आपका एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, लिख लें आप लोग ज़्यादा बेहतर होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, इज अ सर्च डेट रिपोर्ट्स द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी एंड यूजेस डेटा डिराइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये तो सेम वही लिखा हुआ है और आप लोग इसको देख लें। ठीक है, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट लिख लें या रिसर्च रिपोर्ट, दोनों सेम है। नेक्स्ट है, दिस रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन आउटकम्स रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसीज एंड अदर थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनीज ग्रोथ सक्सेस। इसमें भी मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम वही चीज़ आपकी उसमें लिखी होगी हैंड आउट्स में। इसका आंसर मैंने जनरल रिपोर्ट लिखा है, जनरल रिपोर्ट देख लें आप लोगों की, जिसमें आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम भी मेंशन कर सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम में या पर्सनल प्रॉब्लम में। तो आपका क्वेश्चन भी यही है कि जिसमें इंफॉर्मेशन हो, रिजल्ट्स, एफिशिएंसीज और सब कुछ। नेक्स्ट है आपको लास्ट रिपोर्ट कौन सी है, दीज रिपोर्ट्स आर फॉर बोथ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस एंड दे कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशन। ये आपकी एनालिटिकल रिपोर्ट है, इसको देख लें एक दफ़ा अपने हैंड आउट। एनालिटिकल जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो क्या होती है, सॉल्व प्रॉब्लम्स और एनालाइज इंफॉर्मेशन। वही चीज़ आपकी दी हुई है आपके डिस्क्रिप्शन में और इसका आंसर एनालिटिकल रिपोर्ट है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि आपने सपोज यू आर द इंचार्ज ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर ऑफ योर एरिया, आप इंचार्ज हैं अपने एरिया के, सेंड अ प्रोग्रेस रिपोर्ट यूजिंग गिविंग सुपर स्ट्रक्चर फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 टू द CEO हेल्थ ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपकी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको याद होगा, इंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्स एंड डिसीजन है, एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। आंसर के लिए आपने 2, जिसको आपने लिखनी है रिपोर्ट, CEO हेल्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेहलम या जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें, फ्रॉम इंचार्ज ऑफ COVID-19। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका क्या, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। आपने इंट्रोडक्शन देना है इन कंटिन्यूएशन ऑफ योर
ऑर्डर रेफरेंस नंबर जो आपने देना डेट है, हेयर इज़ द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2021। इन दिस रिपोर्ट आपने जो चीज़ मेंशन की है, आई विल कवर ऑल डेटा अबाउट वैक्सीनेशन एज वेल एज आवर स्टाफ प्रोग्रेस अबाउट द कंप्लीट गिवन टारगेट बाय द गवर्नमेंट। आपने जो जो चीज़ें की हैं वो आपने बताना है इंट्रोडक्शन में, कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी थी आपने उसको पूरा किया, टारगेट को पूरा किया और आपके स्टाफ ने बहुत अच्छे से काम किया है। नेक्स्ट आपने जो कहना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट COVID-19, सारी बातें जितने उतनी बातें होती हैं, ये सारी बात करके आपने जो गवर्नमेंट ने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं वो बता दिए हैं। फिर आपने फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 इतने पीपल जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद आए हैं, इन दीज पीपल्स टोटल जो हैं देयर फर्स्ट डोज, जो जो काम उन्होंने किया है और ऑनलाइन सिस्टम नादरा से हुआ है, उन्होंने अपना जो है कोड लिया, सब कुछ ये वो बता के। फिर आपने इफ़ आई कंक्लूड द अबव डिस्कशन, अब आपने कंक्लूजन देनी है, देन आई कैन से डैट वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन एंड द गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस इन दिस सिचुएशन एंड गिविंग अवेयरनेस टू पीपल। ये वाली बात आपने कंक्लूड करना है कि आपका ये जो रिपोर्ट है लिखने का मकसद क्या है, कि गवर्नमेंट जो है वो अवेयर कर रही है लोगों को कि इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियसली लें, आप वैक्सीनेशन करवाएं। पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल एंड इंक्रीजिंग फिगर्स डे बाय डे। अब जो है बातों से बातें निकलती जाएंगी, खैर मैं वो नहीं कर रही अब दोबारा। अब स्टाफ हैज द एबिलिटी टू स्टेप डाउन पेंडेमिक सिचुएशन। अब लास्ट में जो है आपने क्या करना होता है, उनको सजेशन देनी होती है। अकॉर्डिंग टू द अबव डिस्कशन माई रिकमेंडेशन, मतलब आपकी जो सजेशन है, इज इंक्रीजिंग स्टाफ शुड फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज मोर स्टाफ कैन हैंडल पीपल इन अ लिमिटेड टाइम एंड कैन फॉलो द SOP इशूड बाय गवर्नमेंट। पहला सजेशन आप ये कर सकते हैं या दे सकते हैं कि स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लोगों को हैंडल ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। 2 to 3 tenth must issue to our vaccination center for a waiting area while where all people sit according to SOP। ठीक है, टेंट से जो है दिए जाए उनको, जहाँ पर लोग जो हैं, जाहिर बात है कोरोना की वजह से डिस्टेंस रखा जा रहा है, डिस्टेंस के लिए उनके पास इतने ज़्यादा टेंट्स हों कि लोग अलग अलग या सेपरेटली बैठ सकें। अ वाटर कूलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पीपल बिकॉज द समर सीजन इज़ एट पीक लेवल। वाटर कूलर भी चाहिए। नो number of doses are sufficient and can hope government should provide doses in times as per previous practices। और last में आपने एक complimentary ending करनी है, I can hope this brief progress report of you and you can brief to a higher authority। और last में XYZ आप अपना नाम mention कर सकते हैं, जो भी ये number है। ये थी आपकी असाइनमेंट इको इंग्लिश 201 की, और ये सिर्फ आइडिया है, आप अपने से भी रिपोर्ट लिख सकते हैं, मस्ट नहीं है आपने यही लिखनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।